हाय एवरी दिस इज वोनेका आज का टॉपिक है जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सी टर्टल्स हेल्प कर रहे हैं साइक्लोन्स को प्रोडिक्ट करने में उनको फेस करने में इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या दो वी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप हमारा कोई भी कोर्स स्टडी आई पे लेना चाहते हैं चाहे वो यू पी एस सी जुडिशरी आर किसी स्टेट पी एस सी से रिलेटेड है आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ मिलेगा आपको और आप किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं किस तरह से सी टर्टल्स साइक्लोन्स फेस करने में हमारी मदद करेंगे देखिए पहली बात जो साइक्लोन्स हैं बहुत सारे रिसर्चर्स इनको जानने में लगे हैं ऑलरेडी हम जानते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं किस तरीके से बनते हैं लेकिन इनको प्रडिक्ट करना इनकी प्रोग्रेशन कैसे होती है कितनी देर में ये कितना नुकसान करेंगे इनके बारे में और जानने के लिए एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्चर्स चाहते हैं कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स उनके साथ जुड़ें ताकि हम इन साइक्लोन्स के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ क्योंकि ज़्यादा जानने से हमको मदद मिलेगी इनको फ़ेस करने में क्योंकि इंडिया में आपने देखा हर साल साइक्लोन्स uh, ऑलमोस्ट आते हैं कितना नुकसान होता है जान का नुकसान प्रॉपर्टी का नुकसान एनिमल्स को नुकसान हर जगह हम नुकसान फ़ेस करते हैं तो अगर हम इनके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले पाएंगे समझ पाएंगे तो इनको फेस भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे अब देखिए जिस तरह से हमको पता है कि वाटर टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है साइक्लोन की इंटेंसिटी को इसकी डेवलपमेंट को स्पेशली ट्रॉपिकल स्टॉम साइक्लोन्स हो गए और रिसर्चर्स इसी फेनामेना को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं वर्ल्ड के आप हर एक कोस्ट में अगर देख लेंगे तो आपको ये दिखेगा साइक्लोन्स इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट यू नो इट्स मोर प्रोन टू साइक्लोन्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस का एक री आइलैंड है यहाँ पे माइग्रेटरी टर्टल्स की मदद ली जा रही है रिसर्चर्स के द्वारा साइक्लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगी और री यूनियन यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब पहले अब नॉर्मली अगर आपसे पूछे साइक्लोन क्या है आप जानते हैं एक इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है है ना और लो प्रेशर एरिया में अराउंड लो प्रेशर एरिया जब विंड आपकी ऐसे घूमती है तो एक साइक्लोन स्टॉम जो है जनरेट होता है साइक्लोन की एक आई रहती है और ये जो एयर है ये एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में मूव करती है इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन सदर्न हेमिसफेयर बिकॉज ऑफ योर करोलिस फोर्स अब साइक्लोन्स जो है इनके साथ साथ भयंकर तूफान आते हैं और आपका वेदर जो है वो भी एकदम खराब हो जाता है दो तरह के मेनली साइक्लोन्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए या जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं ये मिडिल आटीट्यूड एरियाज में आते हैं मिडिल आटीट्यूड साइक्लोन्स कहा जाता है फ्रंटल साइक्लोन्स कहा जाता है वेव साइक्लोन्स भी कहा जाता है ये आपके सभी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज के बाहर हैं अब कंसर्न क्या है साइक्लोन्स को लेकर साइक्लोन्स को लेकर हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं कि ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन कॉज होती है आपके जो आइलैंड्स हैं उन पे इसका डिवेस्टेटिंग इफेक्ट इफ़ेक्ट देखा जाता है और साइक्लोन्स uh, ऑलमोस्ट हर साल इंडिया की कोस्ट में आप वर्ल्ड के बाकी कोस्टल एरियाज़ में देखें कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट uh, देखा जाता है और हम चाहते हैं कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाएँ इसके आउटकम अगर साइक्लोन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे एटलीस्ट कितना नुकसान करने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हमारा एक मेजर कंसर्न है अलग अलग जगह अलग तरीके से साइक्लोन्स को बोला जाता है जैसे यहाँ पे इस एरिया में आने वालों को ग्लोब में आप देखेंगे टाइफून्स ये वाला कोस्ट इंडिया के आसपास वाला है दिस इज योर साइक्लोन्स देन आप वेस्ट में चले जाइए यूएस वाली तरफ देन इट्स योर हरिकेन्स कहा जाता है ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन है और ज़्यादा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयर हैं साउथ अटलांटिक में हरिकेंस जो हैं मई टू नवंबर के बीच में इस एरिया में आएंगे तो ये आप मैप में पूरा इनके बारे में जान सकते हैं टाइफून्स अप्रैल टू जैन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्टूबर टू मई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाली तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अप्रैल टू डिसम्बर तो इस तरीके से यहाँ पे माहौल बना रहता है कि यहाँ पे इस टाइम साइक्लोन्स जनरेट हो सकते हैं अब साइक्लोन्स को जनरेट होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है जिससे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होता है एक तो सी लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर सत्ताईस डिग्री से ज़्यादा हो साइक्लोन फॉर्म होगा कोरोलिस फोर्स इतनी होनी चाहिए कि साइक्लोनिक वॉर्टेक्स क्रिएट हो ताकि विंड्स जो है वो गोल गोल घूमने शुरू हो इतनी कॉरोलिस फोर्स जो है उतनी होनी चाहिए फिर वर्टिकल स्पीड के विंड में छोटी छोटी वेरिएशंस आना प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना और ये सब चीज़ें जब होती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं साइक्लोन के लिए तो ये हमने बहुत डिटेल में बात नहीं की साइक्लोन के बारे में जस्ट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि हम साइक्लोन्स को क्या है क्यों हमें उन उनके बारे में इतना मेजर कंसर्न है अब एक प्रोजेक्ट है स्टॉम प्रोजेक्ट क्योंकि आपको याद हो शुरू में टॉपिक है टर्टल्स किस तरीके से मदद करेंगे राइट तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है स्टॉम प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है स्टॉम प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है सी टर्टल्स फॉर ओशन रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ये पार्टनरशिप है बिटवीन कैलोनिया केयर सेंटर और एटमोस्फेयर एंड द एटमोसफियर एंड साइक्लोन लेबॉर्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ला री यूनियन तो यहाँ का ये एक प्रोजेक्ट है आप देख लीजिए सी टर्टल्स का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है रिसर्च और मोनिटरिंग में ये कोऑपरेशन है बहुत सारे बायोलॉजिस्ट मिट्रियोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे हम ओशन के बिहेवियर को समझ पाएंगे थ्रू सी टर्टल्स नया डेटा जो है सरफेस और सब सरफेस टेम्परेचर्स का वो कलेक्ट किया जाएगा साइक्लोन्स के बारे में भी कलेक्शन किया जाएगा अब यहाँ पे बेसिकली इन टर्टल्स पे टैग्स लगाए जा रहे हैं इन टैग्स को अर्गोज टैग्स कहा जा रहा है जो कि टेम्परेचर और डेप्थ सेंसर इसमें लगाए गए हैं जब एक टर्टल की शेल पे ये टैग्स फिट किए जाएंगे तो हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा कि पानी का कितना टेम्परेचर है और कितने डेप्थ में ये टर्टल है टेम्परेचर वेरिएशन भी रिकॉर्ड होंगी और डेप्थ भी रिकॉर्ड होगी जैसे जैसे टर्टल पानी में मूव करेगी ओशनिक मूवमेंट्स जैसे टर्टल्स फेस करेंगी जिस भी जोन में जहाँ पे साइक्लोन्स डेवलप हो रहे हैं तो ये डेटा हम डायरेक्टली कलेक्ट कर पाएंगे अब सी टर्टल्स इन फैक्ट जो हैं ये सबसे ज़्यादा वेल स्यूटेड हैं इस तरह का डेटा कलेक्ट करने के लिए ट्रॉपिकल ओशंस में डेप्थ लेयर भी स्पेसिफिक है हर रीजन के हिसाब से और एटमॉस्फ़ेरिक किस तरह का फ़ेनामेना है ये सब चीज़ें ये जो इन पर टैग्स लगाए जाएंगे वो ट्रांसमिट करेगा और यूजिंग सी टर्टल बॉन्ड टेम्परेचर एंड डेप्थ सेंसर इनको यूज़ करने से देखिए अभी तक हम सैटेलाइट से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन अब अब उन एरियाज़ की भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे जहाँ पे सैटेलाइट का डेटा नहीं पहुँच सकता वहाँ का भी सैम्पल हमको मिलेगा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अब ये काम कैसे करेगा अब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कुछ जुवेनाइल यंग टर्टल्स यूज़ किए जा रहे हैं जिनका वेट 50 के जी टू 120 ट्वेंटी तक माना जा रहा है अब बेसिकली कुछ टोटल्स आपके बायकॉट, यानी फिशिंग बोट्स में फंस जाते हैं फिर उनको जो रीयूनियन आइलैंड है वहाँ हैबिट रिहैबिलिटेशन के लिए लिया गया उनकी केयर की गई उनको नर्स किया गया फिर उनमें ये टेलीमीट्री जो टैग्स हैं एरगो सैटेलाइट टेलीमिट्री टैग्स ये लगाए गए जो जिन टैग्स में टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर है ताकि हर सीजन में इंडिपेंडेंटली डेटा जो है वो मिल मिलता रहे और इन टर्टल्स को एक बार जब पकड़ा गया प्रॉपरली नर्स रिहेबिलिटेट करके आ, इनका और ये ध्यान रखा गया कि टैग्स का इन पर कोई असर ना पड़े इनके नेचुरल लाइफ स्टाइल पर कोई असर ना पड़े तो इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है इन टैग्स का कुछ ग्राम्स में ही वेट है इनका और इनके शेल पे ये फिट किए गए हैं और फिर धीरे धीरे इनको पानी में फिर से रिहेबिलिटेट करने के बाद नर्स करने के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया सी टर्टल इंस्ट्रूमेशन और डेटा प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी ये क्योंकि एक मेन एलिमेंट है कि किस तरह से इसको रखा जाएगा क्योंकि एनिमल वेलफेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो एनिमल है उस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए एनिमल पे इस टैग का तो इस इंडस्ट ये जो पूरा रिसर्च है इसमें अटेंशन टैग सिलेक्शन में ध्यान से दी गई है कि उसका वेट उस पर ज़्यादा ना पड़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी शेल पे किस तरीके से ये टैग जो है वो फिट किया गया है इसके शेल पे टू कंपोनेंट इपॉक्सी रेजिन के साथ इससे एनिमल को कोई नुकसान नहीं होगा और जो मैन्युफैक्चरर हैं पूरा एक्यूरेसी उन्होंने यहाँ पे रखा गया है कि विद एक्यूरेसी ऑफ टेम्परेचर में पॉइंट टू डिग्री प्लस माइनस हो सकता है वन परसेंट प्रेशर मेजरमेंट तो एक्यूरेसी भी पूरी की पूरी आएगी फर्स्ट फेज स्टॉम का शुरू किया गया है जन 2019 टू जून 2020 11 टर्टल्स जो हैं उनको रिलीज किया गया री आइलैंड से फिर जून 2020 के बाद यहाँ पे वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड पेज ऑफ डेप्थ एंड टेम्परेचर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कलेक्ट की गई 28 डेज़ के पीरियड में तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है तो तभी हमने आपको बोला कि टर्टल्स अब मदद करेंगी साइक्लोन्स को और अच्छे से समझने में क्योंकि जितना डेटा आएगा अब हमारे पास वापस डेप्थ को लेकर जहाँ पे सैटेलाइट का डेटा भी हम नहीं कलेक्ट कर पाते थे टेम्परेचर सैलिटी ये सब पानी का डेटा अब कलेक्ट हो पाएगा अब क्वेश्चन है विच टर्म फॉर साइक्लोन इज अप्लाइड इन द चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन हरिकेन टाइफून टॉर्नेडोस नन ऑफ द बर्व आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल uh, में पार्टिसिपेट करके आंसर बता सकते हैं वहाँ पर आपको आंसर अपडेट भी कर दिया जाएगा बाकी कोड डिस्काउंट कोड वीरो थ्री थ्री यूज़ करके आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं फॉर दैट यू कैन विजिट अ वेबसाइट एप्लीकेशन कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच